देश भर में 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार की उपस्थिति में पुलिस द्वारा मानस भवन बैकुंठपुर में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने बताया कि नए कानूनों के माध्यम से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और अपराधों की रोकथाम में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। वहीं आज के डिजिटल युग में नए कानूनों से दोष सिद्धि दर में सुधार के साथ साथ समय से न्याय मिलने की भी उम्मीद है। वहीं इसके बाद कलेक्टर विनय लंगेह ने बताया कि ये नई संहिताएं आधुनिक समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। यह संहिता नागरिकों को सरकारी तंत्र के किसी भी दुरुपयोग से बचाने के लिए कानूनी संरक्षण प्रदान करती है। जानकारी लोगों तक किस प्रकार से आप पहुँचा रहे हैं, इसकी जानकारी आपको पता होगा कि 1 जुलाई से 12 वर्ष का जो नवीन कानून है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा अधिनियम प्लस भारतीय हमारा साक्षर अधिनियम, इस प्रकार से हमारे जो है नवीन कानून जो है वो 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं रिप्लेस की गई हैं, बहुत सारी चीज़ें आगे की गई हैं और लगभग 300 चेंजेस जो हैं हमारे पुराने कानून में हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सेक्शन थे उनको ऐड भी किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है और आज की कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य यही था कि अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो इन नवीन कानून के बारे में, क्योंकि आपको पता होगा कि उनमें स्पेशली जो हमारी महिलाएँ हैं और जो छोटे बच्चे उनके विरुद्ध अपराध होते हैं उसको काफ़ी गंभीर रूप से उसमें नवीन धाराओं में इसका प्रावधान किया गया है। और इन हिफायत की बात अगर हम करें तो कुछ टर्म्स हैं, जैसे हमारी लिंचिंग की टर्म होती है उसको अच्छे से डिफाइन भी किया गया है और काफ़ी कड़े जो है इसमें प्रावधान किए गए हैं और एंटी जो टेररिस्ट हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको भी टैकल करने के लिए इन कानूनों में बहुत ज़्यादा प्रावधान है। ओवरऑल इस कार्यशाला का उद्देश्य यही था कि हमारे जितने अधिक से अधिक सिटीजन को इसके बारे में पता चले और वो अवगत हों ताकि अपने राइट को अच्छे से यूज़ कर सकें। इसी उद्देश्य से आज की कार्यशाला की गई थी और आने वाले समय में यदि आवश्यकता होगी तो और भी कार्यशाला इस तरह की जाएगी और जिसमें हमारे स्पेशल युवा साथी जो हैं और हमारी माताएँ बहनें हैं और हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से उनके बारे में डिटेल। सर्वजित है कि 1 जुलाई से हमारे भारतवर्ष में नए कानूनों का क्रियान्वयन किया जाना है और आपको पता है कि ITC की जगह BNS भारतीय न्याय संहिता और CRPC की जगह BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के विभिन्न प्रावधान लाए गए हैं। कई धाराएं जो है आपको सभी क्यों बताया गया है, कई कमी की गई है, ज़्यादा कॉम्पैक्ट बनाए गए हैं। इनफैक्ट कन्विक्शन रेट सुधारने के लिए साइंटिफिक इनपुट्स और विवेचना में कैसे हम न्याय दस्ता वगैरह का प्रयोग करेंगे संबंध में कई प्रावधान जोड़े गए हैं। तो चूँकि पब्लिक एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है इस पूरी प्रक्रिया में, पब्लिक को भी पता होना चाहिए, आम नागरिक को भी पता होना चाहिए कि क्या प्रावधान उनके अधिकारों में संवर्धन करते हैं, उनके ऊपर कुछ उत्तरदायित्व भी दिए गए हैं। तो और नए नए प्रोविज़न जैसे कि आप कम्युनिटी सर्विस के नए प्रोविजंस वगैरह आए हैं, ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जिन पे उनको जागरूक करना आवश्यक है। तो इस परंपरा में इस कड़ी में चूँकि वरिष्ठ कार्यालयों शासन स्तर से भी आदेश जारी हुए हैं तो पूरे ज़िले भर में इस तरह की कार्यशाला आयोजित की जा रही है। कल बैकुंठपुर में थी, आज पटना में है।